बिहार के पूर्वी चंपारण जिला स्थित रक्सौल बॉर्डर को नो मेंस लैंड पर नेपाल सरकार की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया, जिसमें नेपाल पुलिस ने उसे अपनी सीमा बताया है। उस पर लिखा था जिला प्रहरी कार्यालय परसा वीरगंज सीमा क्षेत्र प्रारंभ। भारतीय जनसंख्या संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अवसर पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय मोती झील ओवरब्रिज पर मास्क लगाने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया गया। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी कर झांसा देकर किशोरी से शारीरिक संबंध बनाने का मामला प्रकाश में आया। इसकी खबर स्वजनों को तब हुई जब लड़की गर्भवती हो चुकी थी। पीड़ित पक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करवाई और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मोतीपुर पुलिस ने दो पिस्तौल के साथ चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास बाइक भी जब्त की गई है। मोतीपुर में किसी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी जुटे थे। सूचना पर पहुंचे एसएसपी जयंत कांत, सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह ने उनसे सघन पूछताछ की। सीतामढ़ी जिले के परिहार विधायक और उनके पति पूर्व विधायक समेत परिवार के सात लोग हुए कोरोना संक्रमित। कोरोना संक्रमित की पुष्टि खुद पूर्व विधायक ने की है। बिहार के मुख्यमंत्री आवास में पहुंचा कोरोना। मुख्यमंत्री आवास में अब उनकी भतीजी पाई गई कोरोना संक्रमित। कोरोना की पुष्टि होने के बाद सोमवार को उन्हें एम्स में किया गया भर्ती। पटना एम्स में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का ट्रायल और साथ ही एम्स में कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी के जरिए हुआ शुरू। बिहार में भारी बारिश के साथ ठनकर गिरने की चेतावनी जारी की गई। बेगूसराय, खगड़िया और सीतामढ़ी में ठनका गिरने से 5 लोगों की हो गई मौत और कई घायल हैं। नेपाल ने दी धमकी, अगर तटबंध नहीं हटाया तो वो उसे तोड़ देगा और इससे अब बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वैशाली में फिनो बैंक से हथियार के बल पर 4 लाख रुपए लूट लिए गए। वहीं बक्सर मधा इलाके स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच से बेखौफ अपराधियों ने 4,61,000 रुपए लूट लिए। वैशाली में फिनो बैंक से हथियार के बल पर 4 लाख रुपए लूट लिए गए। वहीं बक्सर मधा इलाके स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच से बेखौफ अपराधियों ने 4,61,000 रुपए लूट लिए। बिहार में कोरोना का संक्रमण आम आवाम से लेकर खास तक पहुंच गया है। पटना सदर स्थित अंचल कार्यालय को सील कर दिया गया। पटना के मनेर में नाव चलाने के लिए रंगदारी वसूलने को लेकर विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना कोइलवर थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बेखौफ अपराधियों ने राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के मुन्नाचक के चित्रगुप्त नगर बाजार स्थित ज्वेलरी हाउस को लूट लिया। घटना सोमवार की शाम 5:30 से 6 बजे के बीच में हुई। शातिरों ने दाऊद बिघा के रहने वाले ज्वेलरी गाइन के मालिक राकेश कुमार को पिस्टल के बट से पीट कर घायल भी कर दिया। 3 अपराधियों ने दुकान से 15 लाख के गहने और 30,000 कैश लूट लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोविड-19 लॉकडाउन के कारण रद्द की गई उड़ानों के लिए टिकट वापस करने की मांग वाले एयर पैसेंजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। गौरतलब है कोरोना की वजह से लगे देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से कई सारे उड़ानें रद्द हो गई थी। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच टेंशन की स्थिति पैदा हो गई थी। अब चीन के खिलाफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ने घोषणा की है कि वे जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि जूम ऐप अमेरिका से संचालित होता है, लेकिन कैट का कहना है कि इसका चीन से कनेक्शन भी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पनवेल में उद्घाटन ऑनलाइन किया गया। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। ये डेटा सेंसर प्राइवेट कंपनी योटा इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो हीरा नंदानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। डेटा सेंटर में 7200 रैंक होंगे और 50 मेगावाट की बिजली के साथ 48 घंटे का बैकअप हमेशा बना रहेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।